अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। मदीहा नकवी इंशाल्लाह हमें कल ज्वाइन करेंगी, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। अच्छा जी, तो उनके साथ अल्लाह ताला उनकी सेहत बेहतर करे। इन दुआओं के साथ बड़ी खुशी की खबर ये है इससे हट के कि बिल आखिर PSL 8 में कराची किंग्स को फतह मिल गई। और जाहिर है कि जो हमारे फैंस थे, जो स्पेक्टेटर्स थे, जो तमाम लोग थे, वो ये कह रहे थे कि इतने करीब जा के इतने अच्छे मुकाबले करने के बावजूद सिर्फ ज़रा से रह जाया करते थे। लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि एज ए यूनिट क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और इमाद वसीम ही हैज़ अ रिमार्केबल रन, क्योंकि मतलब शुरू दिन से, पहले मैच से लेके देख लें, ही इज़ लीडिंग द टीम फ्रॉम द फ्रंट। भले वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, ही हैज़ इमर्ज्ड एज अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर। आप याद करें कि उनकी जो ऑलराउंडर की रैंकिंग थी वो क्या थी, उससे हटके शोएब मलिक की जो परफॉर्मेंस रही है, ओवरऑल हमारा जो बॉलिंग अटैक रहा है लाहौर कलंदर्स को जिस तरह से जेर किया। हालांकि आप देख लें कि लाहौर कलंदर्स के पास शाहीन आफरीदी भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, लेकिन स्टिल हमारे बॉलर्स ने, आमिर और द डिफरेंट जो हमारा स्किल सेट के बॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जनाब ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी उससे हटके आप देख लें कि जी महंगाई उसी तरह से है, हर गुजरते दिन के साथ चीज़ों के रेट्स आपको नए मिलते हैं। आज जाओ कोई और रेट है, कल जाओ कोई और रेट है, फिर आपको बताया भी जाता है कि जी जो लिस्ट आएगी कल उस पर रेट ज़्यादा होंगे। तो गनीमत यही है कि आप इस पर ख़रीद लें। तो ये हमारे हालात हैं, सियासत में अनसर्टिनिटी है, तो तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के इस मॉर्निंग शो में। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। बिल आखिर फतह के मुतलाशी कराची किंग्स को जीत मिल ही गई। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ न सिर्फ बेहतरीन बैटिंग की बल्कि आउट क्लास बॉलिंग करके पहली फतह हासिल कर ली। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 52 रन से पिछाड़ दिया। स्वाद के 3 रिसर्चर्स अमरीकी यूनिवर्सिटी के बेहतरीन मुहक्किकीन की फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले रिसर्चर्स आज बनेंगे बाखबर सवेरा के मेहमान। और दुनिया आज यौम समाजी इंसाफ मना रही है। मकसद अमीर गरीब हर शहरी को बराबरी के हकूक दिए जाएं। अब पाकिस्तानी मुआशरा समाजी नामवारी के संगीन मसाइल से दो चार हैं। अच्छा जी, तो सियासी फ्रंट पर बेसिकली क्या हो रहा है ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से आपको बताएं कि आज हम दिन इस हवाले से है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। तो इससे मुतालिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो तमाम तर मुकम्मल हैं। और आपको याद है कि इससे पहले भी यही बात होती रही कि खान साहब पेश होंगे या नहीं होंगे। पेशी पर पहले सेहत के हवाले से उनकी बातें की जाती रहीं कि उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो पेश हो सकें कोर्ट में। फिर उसके बाद ये बताया गया कि जी सेहत तो बेहतर रह रहा है लेकिन उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। तो ये मसाइल अपनी जगह मौजूद रहे, दरपेश रहे, लेकिन अब वो ये लगता है कि मामलात सेट हो गए हैं, क्योंकि एडवोकेट अजहर सिद्दीक के मुताबिक IG पंजाब से मामलात तय पा गए हैं, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली गई है। और फिर जमान पार्क से हाई कोर्ट और घर वापसी तक की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस को होगी। फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी इससे मुतालिक जो दरख्वास्त है वो जमा करा दी गई है। और फिर ये कहा जा रहा था कि इस हवाले से अहकामात वहाँ पर भी आ जाएंगे, जैमर गाड़ी भी आ जाएगी और फिर उसके साथ साथ सूरत हाल जो है वो थोड़ी बेहतर होगी। जाहिर है खान साहब की ज़िंदगी को खतरात तो लाहक हैं और इसका हमने देखा था कि किस तरीके से जब वो मार्च लेके जा रहे थे इस्लामाबाद की जानिब, तो उस वक्त भी उनकी उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ था और उसी से अभी तक खान साहब रिकवर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान मुतमिल नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिस दहशतगर्दी की अफरियत का हमें, आपको पता है, पहले भी सामना रहा और दोबारा से उसकी अपराइजिंग हम देख रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे बेहतर यह है कि पहले से ही सिक्योरिटी को ऐसा मरबूत और मुनज़्ज़म किया जाए कि इस तरह को कोई वाक़या रोनुमा न हो। तो बाकी ये है कि इस हवाले से हम आपको फर्दर अपडेट करते रहेंगे जैसे ही खान साहब घर से निकलेंगे और जमान पार्क से निकल के वो हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे। जो जो पेशी के दौरान होगा उस हवाले से भी हम आपको बताते रहेंगे, अपने नुमाइंदगान से भी आगे चल के रब्ता करेंगे। इससे हटके जो आज जो बात हम करने जा रहे हैं, जिसका मैंने अपने इंट्रो में भी तस्करा किया था, वो ये था जनाब, संडे नहीं था, सुपर संडे था, बिकॉज PSL का एक अहम तरीन टाकरा हुआ और कराची किंग्स के शायकीन जो थे, जो गली मोहल्लों में, यकीन कीजिए, घर के बाहर खड़े हुए आपके पास से गुजरते, वो यही कहते थे कि ये आखिर कराची किंग्स सब कुछ करने के बावजूद, इतना करीब आने के बावजूद, क्या वजह है कि मैच हार जाते हैं।
तो मैं उनसे ये कहता था कि बस जिस तरीके से एज ए यूनिट टीम खेल रही है, कोई टीम क्यों परफॉर्म नहीं करती, बाज़ औक़ात ये होता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज तो होती हैं लेकिन एज ए यूनिट टीम नहीं खेलती, लेकिन हमारी टीम जो है एज ए यूनिट भी खेल रही थी लेकिन जाहिर है कि थोड़ी सी बैड लक उसमें हो जाती है, लेकिन बिल आखिर वो एक तरीके से हमने देखा कि पहले ही जीत के साथ वो सिलसिला ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह दे विल प्ले वेल। तो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त जी एक टाकरा हुआ और उसमें बाहसानी अगर हम कहें तो शिकार किया, 185 रन बनाए थे और उसके बाद जवाब में 118 पर लाहौर कलंदर्स ढेर हो गए। और क्या ज़बरदस्त जनाब बैटिंग की थी किंग्स ने। इनिशियली जेम्स रिंस 46, मैथ्यू वेड 36 और इमाद वसीम 35 रन बनाकर नुमाया रहे। इमाद ने 19 बॉलों पर 35 रन बनाए और फिर कलंदर्स आप देख लें कि एक के बाद एक ढेर होते रहे। इनिशियली उन्होंने थ्रेटन किया हमें, वो मिर्ज़ा बेग जब क्रीज़ पर मौजूद थे और फ़ख्र जमान, तो हमें लगा कि नहीं यार ये कुछ मसला हो सकता है, लेकिन जैसे ही फ़ख्र जमान की विकेट गिरी तो उसके बाद समझे लाइन ही लग गई। मैंने देख ले, वैसे भी कांटे का ही मुकाबला होता है जब लाहौर और कराची आमने सामने होते हैं, लेकिन अब बहुत सी ऐसी टीमें हैं जिनके साथ ऐसे मुकाबले होते हैं, राइवलरी थोड़ी सी चल रही होती है। बॉलर्स में देख लें, फिर उसके बाद बॉलर्स में उनके पास शाहीन शाह आफरीदी, आरिस रऊफ, हमारे पास जो है मोहम्मद आमिर और जो हमारा बाकी जो बॉलर्स थे दे बोल्ड रियली वेल। फिर नए नए सेंसेशंस आ रहे हैं, एहसान का नाम हम आपके सामने है कि ही इज़ बीन अ ब्रिलियंट फाइंड इन द PSL, तो आई एम श्योर कि ही विल परफॉर्म वेल आगे चल के भी फॉर हिज टीम। अच्छा जी, इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड से और मुल्तान सुल्तान की फतूहात की हैट्रिक हो गई है, दे आर अनबीटेबल और जो शानदार उनकी जानिब से बैटिंग की गई, 190 रन का टारगेट दिया गया था जी मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से और रिजवान हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट। डेविड मिलर ने धुआंधार 52, रिजवान ने 50, रूसो ने 36 रन की इनिंग्स खेली। रूसो की परफॉर्मेंस भी इस इवेंट में बड़ी शानदार रही है। फिर इस्लामाबाद की टीम जो है 138 रन पर ढेर हो गई और कोलिन मुनरो 31 और डॉसन जो है वो 49 रन बना सके। ऑलराइट जी, तो आपने देख लिया कि कैसे ज़बरदस्त दो धुआंधार मैचेस हुए और बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर परफॉर्मेंसेज रहीं और मुल्तान सुल्तान्स दे आर अ ट्रीट टू वॉच बिकॉज दे आर अनबीटेबल जिस तरीके से एज ए यूनिट खेलते हैं। फिर उसके बाद रिजवान की जो उसके अंदर परफॉर्मेंस है, तो आप ये देखें कि कोई वजह ही थी कि रिजवान T20 के नंबर वन प्लेयर थे और वो स्पॉट तो उनसे ले लिया सूर्या कुमार यादव ने, लेकिन इंशाल्लाह ही विल रोर बैक और ज़बरदस्त तरीके से इंटरनेशनल मैचेस में भी वो परफॉर्म करेंगे। और ओवरऑल मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब आप देख लें कि एज ए यूनिट कितना ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं और यही वजह है कि उन्होंने हैट्रिक भी अपनी फतवाद की कर ली है और अब्बास आफरीदी की जानिब से भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की गई जी, हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा, आज एक मैच खेला जाएगा और क्वेटा और पेशावर जलमी नेशनल स्टेडियम कराची में दो दो हाथ करेंगे, तो ये देखना होगा कि क्वेटा किस तरीके से इस मैच में अपनी परफॉर्मेंस देता है, बिकॉज ज़ाहिर है कि उनके ऊपर भी खासी नज़रें हैं और सरफराज मतलब चाहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें और उनका स्क्वाड तो अच्छा है बैटिंग साइड अगर देखा जाए तो, अगर परफॉर्म करने पे आए तो दे कैन बी वेरी गुड, बट बाकी वल्ला आलम, लक भी बड़ा मैटर करता है। अच्छा जी, उसके साथ साथ ये भी है कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए भी ये किया गया है कि जो PSL के टिकट्स हैं वो कंसेशनरी प्राइसेस पे हैं, यानी कि डिस्काउंटेड रेट्स पे हैं, तो जाएं जी जाके मैच देखें और स्टेडियम की रौनकें बढ़ाएं। और PSL में तो वैसे भी लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, जो एक्चुअल इंटरनेशनल मैचेस होते हैं इनसे कहीं ज़्यादा बढ़ के, तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त ये ओवरऑल सिलसिला रहा। अच्छा जी, तो इस हवाले से भी हम आपको बताते रहेंगे जी, जैसे 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 मैचेस होंगे और पाकिस्तान में इस वक्त एंटरटेनमेंट ही यही है, वरना आप देख लें कि कहाँ महंगाई, कहाँ गुरबत, कहाँ बेरोज़गारी, कहाँ इन्फ्लेशन जो है वो स्काई रॉकेट करते हुए, वहाँ पर यही चीज़ है जो थोड़ा सा दिल को सुकून देती है और हमारा इंटरेस्ट उस साइड पर जाता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मूड ज़रा आपका चेंज करते हैं और आपको ज़रा थोड़ा खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। और वो खूबसूरत नज़ारे कहाँ के हैं, तो वो हैं समंदर की बुलंदोबारा लहरों के साथ लहराते हुए फूलों के खूबसूरत नज़ारे और कराची की जो साहली पट्टी है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको ग्लैमरस बनाने के लिए बड़े जी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, तो इस बार भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। किस तरह से हैं इशरत खान बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में। आपने कराची में फूलों की वादी देखनी है तो जनाब रुक कीजिए कराची साहिले समंदर का, जहां रंग बिरंगी फूलों और हरे भरे सब्जे की एक खूबसूरत बहार नजर आएगी। कराची की साहिली पट्टी क्लिफ्टन बीच के साथ ही कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से शहरी कायद के वासियों के लिए मुनफरिद काविश, रेतीली जमीन पर फूलों और सब्जाजार की चादर बिछा दी।
ढाई किलोमीटर से जायद रकबे पर मुहित इस खूबसूरत सब्जाजार की चौड़ाई 200 फुट है। 5 लाख के करीब यहाँ रंग बिरंगे पुरकशिश फूल लगाए गए हैं, जबकि गर्म मौसम में समंदरी गर्म हवा को रोकने के लिए एवीसी नाम मैंग्रोव लगाए गए। यहाँ पे कंटेनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के पूरे बीच पे कोई दरख्त नहीं है। कोशिश कई दफ़ा की गई, लेकिन हमने ट्रायल बेसिस पे पहले लगा के इनको चेक किया कि जिस सर्वाइव कर जाएंगे। ये 2 साल पहले हम लोगों ने इसका ट्रायल किया और उसके बाद ये दरख्त लगाने शुरू किए, जिसमें जो आपको फूल नज़र आ रहे हैं ये तमाम फूल हमारी अपनी नर्सरी में, जो कंटेनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की नर्सरी है, उसमें तैयार हुए और उसके बाद यहाँ पे लगाए गए। बीच पर जाने के लिए इस सब्जाजार से 18 रास्ते निकाले गए हैं। सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा और लाइट्स का इंतजाम भी किया गया, जबकि शहरियों के लिए 300 से ज्यादा बेंचेस भी लगाई जा रही हैं। गर्मियों में यहाँ पे आवाम आती है तो वो उनके लिए बैठने के लिए और उनके रेत उड़ रही होती थी जिसमें बहुत ज़्यादा तंग होते थे, और ऐसे ही रोड पे ये सारी रेत आ जाती थी। तो हमारे 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसी यहाँ पे मेंटेनेंस की जाए या खूबसूरत किया जाए इसको, ताकि जब यहाँ पे आवाम आए तो वो डिस्टर्ब ना हो। बादाम के पौधे और फूलों की भीनी भीनी खुशबू एक जानिब अटकलियाँ करती समंदर की लहरें, तो दूसरी जानिब पुरसकून फिजा का एहसास इस सब्जाजात में महसूस होता है। मुख्तलिफ पौधों और फूलों का ये सब्जाजार कराची की आवाम के लिए बेहतरीन तफरी है। साहिल पर इन फूलों की मौजूदगी एक जानिब खूबसूरती का एहसास दिलाती है, तो दूसरी जानिब ये बता रही है जैसे आसमान पर बिखरे कौसे कजा के रंगों ने जमीन को छू लिया हो। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज कराची। जबरदस्त जी, क्या जबरदस्त रिपोर्ट बनाई है इशरत खान ने। लेकिन एक चीज मैं एंड में देख रहा था कि धूप के रुख पे बैठ के ना कभी भी कोई खबर करना, तस्वीर खिंचवाना या PTC देना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपकी आंखें ही नहीं खुल रही होती, तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ। इट्स नॉट इजी, इट्स नेवर इजी। तो बहरहाल, हेड्स ऑफ टू यू इशरत खान फॉर दैट रिपोर्ट। अच्छा जी, अब ज़रा हम तस्करा कर लेते हैं कि पाकिस्तानी ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं, और ऐसे वो लोग होते हैं जो कि दे आर मेकिंग अस प्राउड अपने ज़ाहिर के कारनामों की वजह से। और ऐसे कारनामे का तस्करा करने जा रहे हैं कि अमरीकी यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, सबने उसका नाम सुना होगा, दुनिया की जानी मानी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। उसने दुनिया के बेहतरीन मुहक्किकीन की दर्जाबंदी पर मुश्तमिल एक सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान के 3 रिसर्चर्स का भी तस्करा किया है, और इन तीनों मुहक्किकीन का ताल्लुक स्वात से है। ठीक है जी, और स्वाद का आप सोचें कि एक ज़माना था 2007 या उसके बाद का, कि जब दहशतगर्दी को एसोसिएट किया जाता था उस इलाके से, और बड़ी मुश्किल हालात वहाँ के लोगों ने देखे हैं। जब हम स्वाद के मुख्तलिफ इलाकों का तस्करा करते थे, ख्वाजा खेला, मटा, कबल, शांगला, तो हमारे जहन में ये आता था कि आज फिर वहाँ पर कोई वाक़या हुआ होगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का करना ये होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड, और अल्लाह ताला वहाँ पर अमन व अमान को बरकरार रखे। अच्छा जी, तीनों मुहक्किकीन जिनका हम तस्करा ज़रा आपसे कर दें कि एक चेयरमैन स्वात यूनिवर्सिटी शोबा कंप्यूटर साइंस डॉक्टर सनाउल्ला हैं, जबकि स्वात से ही ताल्लुक़ रखने वाले 2 भाइयों डॉक्टर अब्बास खान और डॉक्टर ज़िशान खान को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ये दोनों भाई यकीनन नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह हैं, और अगर उनकी हम बात करें तो इट वॉज़ नेवर ईजी फॉर देम। उन्होंने नामसायद हालात का मुकाबला करते हुए अपना तालीमी सफ़र जारी रखा, घर और तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए कपड़े सिलाई किए, एक फैक्ट्री में भी काम किया, और आजकल डॉक्टर ज़िशान मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, जबकि डॉक्टर अब्बास हिनन यूनिवर्सिटी चीन में असिस्टेंट प्रोफेसर के हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब, इस पर बात भी कर लेते हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दोनों सगे, डॉक्टर अब्बास और डॉक्टर ज़िशान। बहुत शुक्रिया जी बाखबर सवेरा के लिए वक्त देने के लिए, और वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू कि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर हम पाकिस्तान से कोई अच्छी चीज़ें अक्सर हमें सुनने को नहीं मिलती, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं दुनिया के सामने। तो ये सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जो आपको एजाज़ मिला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से, ये है क्या बेसिकली? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें अपने अपने प्रोग्राम में वक्त देने का। सबसे पहले ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग की है रिसर्चर्स की अक्रॉस द ग्लोब, तो ये बेसिकली 2% वो रिसर्चर्स है पूरी दुनिया से जिनका काम पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा लोगों ने साइट किया है और बहुत ज्यादा उनको पढ़ा है।
और ये वो सारा काम है जो हमने मतलब पिछले 2-3 साल से अपने पीएचडी में किया था, और आगे हमने इसको पब्लिश करके पूरी दुनिया को मतलब ये काम पहुंचाया है कि ये हमारा काम है और हमने ये चीजें करके अपना ये काम किया है। Alright. तो ये काम जो है साइटेशन इज अ काइंड ऑफ लाइक आपके काम को सराहा जाता है, एक ऑथेंटिसिटी आपकी वो है, और दूसरा आपका काम जो है वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपका काम जो है वो यूज किया जाता है, खासकर फ्यूचर रिसर्च में भी। ऑलराइट, तो डॉक्टर अब्बास आप ये बताइएगा कि मौजू क्या था आपके थीसिस का? मेरे थीसिस का मौजू था जो करंट पेंडेमिक कोरोना वायरस है SARS-CoV-2, इस पे मैंने काम किया है। और जो मैंने टूल्स यूज किए हैं वो स्ट्रक्चर बायोइनफॉर्मेटिक्स की टूल्स है, और स्ट्रक्चर बायोलॉजी हम कह सकते हैं, जिसमें हम मॉडलिंग करते हैं प्रोटीन की, डीएनए की, ड्रग्स की, और हम देखते हैं कि किस तरह इसमें जो है ना हम एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं उसको ले आए कंप्यूटर्स पे और उसको आसानी से हम देख ले और हम फाइंड कर ले जो एक्सपेरिमेंटली टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली एक्सपेरिमेंट है उसको हम आसानी से कंप्यूटर्स, एल्गोरिदम्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो मेरा मौजू SARS-CoV-2 पे था, कोरोना वायरस के डिफरेंट म्यूटेशन वेरियंट जो आए थे वो किस तरह पहले वाली स्ट्रेन से जो वुहान में इमर्ज हुआ था उससे किस तरह डिफरेंट है, वहाँ के किस तरह इंसान के वजूद में जाके किस तरह इंसान की सेल खोलियों के साथ इंटरेक्ट करता है। फिर उसके बाद इसके लिए मैंने ड्रग्स भी बनाए हैं, 2 ड्रग्स कैम्फेरोल एंड आइसोजाकारोबिन, ये 2 ऐसे ड्रग्स है जो मैंने दरियाफ्त किए और इसको हमने एक्सपेरिमेंट्स में भी टेस्ट किया है और इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ गए हैं, और इंशाल्लाह होपफुली दे विल बी फाइनली क्लिनिकल कैंडिडेट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ SARS। ओके, तो विल दे बी अ क्योर फॉर दैट? और ये भी वैक्सीन के जुमरे में आएंगे क्योंकि वायरसेस के नॉर्मली वैक्सीन ही होती हैं उनके लिए? एक्चुअली वैक्सीन होते हैं, लेकिन वैक्सीन में ज्यादातर ये इम्यून इवेजन वाला मसला होता है। अगर हम देख ले न्यू वेरिएंट्स आते हैं तो फिर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ये ड्रग है, ड्रग और वैक्सीन में फर्क होता है। तो ड्रग इस तरह ये है कि इसके हमने एक प्रोटीन को टारगेट किया है, मेन प्रोटीएज जो रिस्पॉन्सिबल है सारे प्रोटीन्स के फंक्शनल बनाने में, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटीन है, एंजाइम है जो दूसरे प्रोटीन्स पे कट लगाता है और उसको फंक्शनल बनाते हैं, फिर वो प्रोटीन जाके अंदर अपना काम करता है, जिस तरह वायरस रिप्लिकेशन बैठिए के ऊपर कार्रवाई करने का सोच लिया, विच इज रिमार्केबल, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो वायरसेस होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपना कोर्स पूरा करते हैं और उसके बाद वो खुद ही चले जाते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए जाहिर है कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं, लेकिन अगर इसका क्योर निकल आता है और कोई दवा ऐसी आप बना लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात होगी। अच्छा, आप जिशानी बताइए कि आपके थीसिस का मौजू क्या था? जी, मैंने बेसिकली काम किया फाइनेंशियल इंक्लूजन और एनर्जी पॉवर्टी पे। अच्छा, और बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पाकिस्तान बट आल्सो जो अदर हमारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें भी बड़ा रिलेवेंट है। और मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ कि किस तरह हम एक इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर काम करें जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करे, और ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी जो पावर्टी का मसला है, जो एनर्जी क्राइसिस है, इसके ऊपर हम मतलब ओवरकम कर सके उस क्राइसिस को। तो मेरा मेनली जो फोकस है वो ये है, और ज्यादातर जो फोकस है वो डेवलपिंग इकोनॉमी। आपने सजेशंस क्या दी जिशान? ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये बिलखसूस पाकिस्तान को बड़ा ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के मसाइल को रिफ्लेक्ट कर सकता है और वो मसाइल को कम कर सकता है हमारे एनर्जी सेक्टर के या इससे हट के, तो क्या चीज़ें थी जिनके ऊपर आपने एम्फसाइज किया अपने थीसिस में? मेन मेरा फोकस है वो यही है कि हम जितना अपने आम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करें, उनको उनको इजी लोन्स प्रोवाइड करें, उनको एक्सेस दे फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो मैं हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि बेहतर हो सकता है कि हम जो एनर्जी क्राइसिस का मसला है वो हल कर सके, क्योंकि अगर आप देख ले सोलराइजेशन आजकल बहुत ज्यादा पीक पर है और हमारा एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा हाई है और हमारा इंपोर्ट बिल भी इसकी वजह से बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हम ज्यादातर डिफिसिट में चले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम, इजी फाइनेंशियल सिस्टम लोगों के लिए बनाए जिसमें हम शहर से लेके गांव के लोगों को भी एक्सेस दे फाइनेंशियल सर्विसेज को, और उनके इस्तेमाल करने का किस तरीके से वो अवेल कर सकते हैं, किस तरीके वो सर्विसेज यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जब वो
उनका एक पर्सपेक्टिव होता है बैंक्स के हवाले से. बैंक्स का नाम सुनते हैं वो डर जाते हैं, नहीं नहीं इट्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और ये और वो. तो हम ये फोकस कर रहे हैं कि व्हाई नॉट टू गो फॉर अ काइंड ऑफ ग्रीन फाइनेंसिंग सिस्टम जहां पर हम लोन्स भी दें और वो लोन्स हमारे इकोनॉमी के ऊपर जो है वो एक बर्डन भी ना बने और एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे. तो दैट्स द मोर फोकस ऑफ. चलिए जबरदस्त जी, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर ज़ीशान और डॉक्टर अब्बास खान. अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों में नसीब करे. आपका जाहिर है कि सफर आसान नहीं रहा था, लेकिन अब आप एक ऐसी पोजिशन पर पहुँच चुके हैं कि दुनिया आपको देख भी रही है, आपको सुन भी रही है, और आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो उनकी नज़र में भी आ गए हैं. तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी जो लोग बैठे हैं ऐवान इख्तदार में, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आपकी तजावीज़ से फ़ायदा उठाएं. तो बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस. और ये वो हीरो थे जो कि पाकिस्तान का नाम आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने खूबसूरत तरीके से रोशन कर रहे थे, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तजावीज़ थी. आप COVID-19 का सुन लें, ये जो कोरोना वायरस था, हम वायरसेस के हवाले से हमेशा ये सुनते आए हैं कि वायरसेस जो हैं उनका क्योर नहीं होता, उनकी वैक्सीनेशन होती है ताकि पहले उसको मतलब सॉर्ट किया जा सके. लेकिन उसके अंदर होता यह है कि कोविड की देख लें कि 39,000 उसके म्यूटेशंस हैं, तो उसके अंदर हर म्यूटेशन के साथ साथ फिर जाहिर है कि वो वैक्सीन तो उस तरह से उसकी एफिशिएंसी एफिकेसी नहीं रहती. तो चलें अल्लाह करे कि इसके अंदर कामयाबी नसीब हो, दुनिया भर के लिए बहुत अच्छा होगा. विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं. अच्छा जी, यहाँ पर एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं. चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक ट्वीट शामिल करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि हमें अजमल मसीह को नहीं भूलना चाहिए जिसने कराची पुलिस हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवाई. हुकूमत को उनके ख़ानदान का ख्याल रखना चाहिए. अफसोस की बात है कि हम दहशतगर्द हमलों के उन मुतासरीन को भूल जाते हैं जो अपने ख़ानदान के वाहिद कमाने वाले होते हैं. हम उनके लवाहिकीन को भी भूल जाते हैं. तो ये अजमल मसीह उन लोगों में से शामिल हैं जो कि जब ये दहशतगर्दों की जानिब से एक बुजदिलाना हमला किया गया था कराची पुलिस हेडक्वार्टर्स पर, उस दौरान सबसे पहले उन्होंने अपनी जान गंवाई, जान का नजराना पेश किया. और ऐसे में ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि दीगर शहदा को जहाँ पर याद रखा जाए, उनके नामों को याद रखा जाए, वहाँ पर ऐसे मुतासरीन को भी याद रखा जाना चाहिए. और बिलखसूस खान साहब ने सही कहा कि ये अपने ख़ानदान के वाहिद कमाने वाले थे और जाहिर है कि उनके बच्चे भी हैं, तो इससे मुतालिक जो है वो सबको सोचना चाहिए. और अल्लाह ताला वैसे भी पाकिस्तान को दहशतगर्दाना हमलों से महफूज रखे. अच्छा जी, अब हम ज़रा समाजी इंसाफ के हवाले से बात करना चाहेंगे कि समाजी इंसाफ ये है कि हर किसी को एक फेयर मौका मिले तरक्की करने का, जो हकूक उसके हों वो यकसा हों, एक जैसे हों, मसावी हों, और उसे इंसाफ मुआशरे में देखने को मिले. लेकिन ऐसा कि नहीं होता, और जाहिर है कि ना सिर्फ ये कि तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, इंसाफ के शोबे में, तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक उसे ये ना लगे कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है. तो इससे मुतालिक हमने समाजी इंसाफ के मौजू पर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं. अच्छा जी, तो आप ये देख लें कि समाजी इंसाफ किस कदर ज़रूरी है. और हमने अपनी रिपोर्ट में अहाता किया कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं. यहाँ पर गरीब के लिए इंसाफ के तकाजे कुछ और हैं, और अमीर के लिए वो तकाजे कुछ और हैं. जहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है तो VVIPs को, और जहाँ पर सफ़र करते हैं तो वो गरीब आवाम. पुलिस जिसका काम है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे, उसकी भी तरजीहात ज़ाहिर है कि उसी तरह से मुतय्यन होती हैं जब वो देखती है कि सामने हमारे आने वाला शख्स कौन है. हाँ, ये बयान तो दिए जाते हैं, हुक्मरानों की जानिब से भी दिए जाते हैं. ये बयान आप देख लें कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से भी दिए जाते हैं कि जी कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ये मामला सिर्फ बयानी की हद तक होता है. वरना आप ये देखिए कि यहाँ पर जिस इंसान के लिंक्स ना हों, जिस इंसान के ताल्लुकात ना हों, उसको हर तरफ से हमें देखना होता है कि मुश्किलात का ही सामना रहता है. तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं. माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं. बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू. ये एक बेसिक सा सवाल है कि पाकिस्तान को कहा जाता है कि इस्लामिक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, तो क्या हम ऐसी स्टेट हैं जो कि इस्लामिक हो, डेमोक्रेटिक हो और साथ में वेलफेयर भी हो? मैं तो माजरत के साथ अर्ज करूंगी कि ना हम इस्लामिक हैं, किसी को इस्लाम का यहाँ पता ही नहीं. मैं कई दफ़ा जाती हूँ फर्क फर्क शोबों की ये मीटिंग्स में, किसी को पता नहीं होता कि ये जोर का वक़्त है, ये असर का वक़्त है, और वो बीच में ही मीटिंग चलती रहती है. तो अगर तो हम इस्लामिक हों तो ये तो पहली बात.
दूसरी बात है कि ये डेमोक्रेटिक है, कैसे डेमोक्रेटिक है? एक दफा जब हम अपने यहाँ मानते हैं जो हमारे वोट ही है ना, और हमारे पास क्या है वो किसी के हवाले कर देते हैं, तो इलेक्शन कराने को कोई तैयार ही नहीं होता। आप देख लें क्या हाल है इलेक्शन का। हमारा आईन कहता है कि 90 दिन असेंबली के तहलील होने के बाद हाँ कोई भी तहलील करे जरूर होगा इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन कहती है हम नहीं कर सकते, जो है सदर उसका तो इख्तियार ही नहीं, वो तो सिर्फ जो एडवाइस करेगा प्राइम मिनिस्टर वो करेगा। प्राइम मिनिस्टर चाहता ही नहीं कि इलेक्शन हो, तो डेमोक्रेटिक तो कहीं के भी नहीं है। और वेलफेयर, गरीब रोज गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। जो भी इस वक्त IMF से हम लोन ले रहे हैं ना, अशाय खुर्दो नोश के टैक्स लग रहे हैं, किसी और चीज पे अमीरों पे तो लगी नहीं गया। और आप देखें FPR के जो एहलकार है ना मुलाजिम, उनके लिए सुने मर्सिडीज खरीदी जा रही है। तो आप बताएं कि लग्जरी कार जहां पर हम ले, पाकिस्तान जैसा अगर स्टेट इतना गरीब है हमारे पास, अगर वेलफेयर हम करें तो हमारे पास तो यहाँ 1000 या 1200 CC से बड़ी गाड़ी आनी ही नहीं, आनी चाहिए। हर सरकारी मुलाजिम को चाहिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल करे। दुनिया में ये होता है, एक कारपूल होता है बड़े बड़े महकमों में, उसमें से अगर किसी को मजबूरी हो तो वो गाड़ी मंगा सकते हैं। बस इवन बर्तानिया में ऐसा ही है, यहाँ पर आप देख लें कि 25,000 सरकारी गाड़ियां तो सिर्फ सिंध में है। बिल्कुल जी, और ये हर एक के पास एक एक गाड़ी है, पेट्रोल भी मुफ्त है, फिर उनके घर की गैस मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है। हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जब मेरे शौहर थे जज, उस वक्त ये सारा काम जज को खुद देना पड़ता था, हर चीज की अदायगी, और साथ 4,000 रुपए तनख्वाह होती थी। मुलाजिम भी हर घर के बिजली पानी गैस पेट्रोल गाड़ी अपनी। अब आप देख लीजिए क्या हालात है। तो ये कैसे होगा नासरा साहिबा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक मुल्क जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हाल ये है सारी साइड पे, और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वो भी फ्यूडल और कैपिटलिस्ट लोग जो हैं वो मंजर यहाँ पर आते हैं और सबसे आगे आगे वही दिखाई देते हैं। एक आम आदमी तो ऐवान इख्तदार में बमुश्किल पहुंच पाता है, तो ऐसे में कहाँ देखा जाए समाजी इंसाफ के लिए? नामुमकिन है जी। सवाल ये है 64% आबादी नौजवानों की। आखिर नौजवान जो है ना वो जहन भी रखते हैं, शौक भी रखते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं। अल्लामा ने तो कहा था जवानों को पीरों का उस्ताद कर, फिरत को गुलामी से आजाद कर, इनको मौका दे। मैं 70 साल की उम्र में जब मुशर्रफ ने 2 दफा आईन को तोड़ा था ना और जजों को जेल में डाला था और ये खत्म कर दी थी कानून की हुक्मरानी, हर रोज मैं 70 साल की उम्र में जाती थी जुलूस में, हर रोज। ये निकले ना बच्चे, इनको शऊर दे, ये आपका काम है टीवी में बजाय ये ड्रामे दिलाने के। हाँ। कि जी लड़की जो थी वो भाग गई या उसका शौहर छोड़ गया या क्या हुआ या सास बहू के झगड़े, यही जो पहले भारत में देखने में मिलते थे अब यहाँ पर। मुल्क को कैसे हमने आसूदा हाल बनाना है? नौजवानों को तरगीब दे, उनको शऊर दे। आप देखें ये मुल्क कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकता। और हमारे पास तो माशाल्लाह, मैं तो खुद आजकल PhD कर रही हूँ ना। अच्छा। तो मैं नौजवानों के साथ क्लासे अटेंड करती रही हूँ, मैं तो इस बात पे इतनी मुतासर हूँ कि उनका जज्बा है, लेकिन उस जज्बे के साथ उस शौक को बढ़ाने के लिए शऊर की जरूरत। तो क्या वजह है कि हम, आपको लगता है कि हम कीबोर्ड वॉरियर्स बन के रह गए इस वजह से नहीं निकल पाते, या कोई और हमारी तरजीहात मुख्तलिफ है? तरजीहात को तो दुरुस्त करना मैं कहती हूँ जी। ये मीडिया 4th pillar ऑफ द स्टेट है, मुकन्ना है, इंतजामिया है, अदलिया है, ये तो अपने अपने कर रहे हैं रिवायती काम। सबसे जरूरी काम जो है ना वो है हमारे मैस मीडिया का। आजकल स्मार्टफोन पे हर वक्त तो बच्चे, मैं क्लास पढ़ा रही होती हूँ वो स्मार्टफोन चला रहे होते हैं, मैं कहती हूँ इसमें तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हारी गलतियां क्या है? कुछ नहीं, हमारे पेपर उनको आज वापस देने लगी हूँ जो उन्होंने मिड टर्म एग्जाम किया। किसी के 5 नंबर आए हुए हैं 100 में से, किसी के 20 आए हुए हैं, किसी के 30 आए हुए हैं। बस ये तो हालात हो गए, कोई परवाह ही कोई नहीं। तो ये तो परवाह और शऊर है, ये तो आपने मैनेज करना है बेटा। जी, वी आर ट्राइंग, और इसीलिए देखें हम बात करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थी, और मतलब आप ये देख लें कितना अलमिया है कि जिस जाने फोकस करना चाहिए वहाँ पर हमारा फोकस नहीं है, लेकिन होना चाहिए। विल टेक अ ब्रेक, हियर ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपको बताएं कि जामिया कराची में कई हफ्तों से असातिज़ा का एहतजाज और तदरीसी अमल का बॉयकॉट जारी है, क्यों है ऐसा? अनवर खान बता रहे हैं, बताइएगा जी।
जी देखिए, जामिया कराची में आज तदरीस अमल मुअत्तल किए जाने का छठा दिन है और इस वक्त जो बुनियादी मुतालबा था सिलेक्शन बोर्ड मुनक्किद किए जाने का, उसका फैसला जामिया कराची की इंतजामिया कर चुकी है। जामिया कराची की इंतजामिया के मुताबिक असातिज़ा को ऑफर की गई है कि वो आएँ, बैठें और मुदाखलात करें। उसके साथ साथ असातिज़ा का बुनियादी मुतालबा ये है कि जो माली मामलात हैं वो भी इल्तिफा का शिकार है। तहम सूरत हाल ये सामने आई है कि अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची, जामिया कराची की इंतजामिया और सिंध हुकूमत तीन फरीक, उनके नतीजे के अंदर 45,000 तलबा व तालिबात के 6 से 7 दिन मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुके हैं और आज अंजुमन असातिज़ा का इजलास है जिसके बाद तदरीसी अमल को बहाल करने या ना करने का हतमी फैसला किया जाएगा। तहम जामिया कराची की इंतजामिया कहना यह है कि असातिज़ा के हवाले से जो सिलेक्शन बोर्ड था उसकी मंजूरी दी जा चुकी है और दीगर मामलात हैं उस पर भी बातचीत की जा सकती है। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नूर खान, आपने अपडेट किया। आई एम श्योर कि ये सॉर्ट कर लिया जाएगा जल्द। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। 10:03 हुआ चाहते हैं, आज हम छेती छेती आपके सामने आ गए। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। जाहिर है कि सियासी महाज पर भी बड़ी आज एक गहमा गहमी होगी। खान साहब आज लाहौर हाईकोर्ट जाएंगे, सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट भी करते जा रहे हैं कि क्या तरीक़ेकार होगा। फिर इसके साथ साथ बड़ा एक तस्करा हो रहा है कि मुशावरती इजलास आरिफ अलवी साहब ने तलब कर लिया जो कि सदर पाकिस्तान हैं, और फिर उनकी जानिब भी सबकी नज़रें हैं कि क्या वो इलेक्शन कमीशन को इससे मुतालिक कह सकते हैं कि जो ख़त उनका लिखा गया है तो उसके हवाले से क्या उसको समझा जाए कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी के लिए एक चैलेंज की बात है। लेकिन जाहिर है कि मुल्क में तमाम फरीक जो हैं उनको ये चाहिए कि मिल बैठ के एक राह ऐसे निकालें कि जिसमें मुल्क की बेहतरी हो और अवाम की बेहतरी हो, वरना हम ये तस्करा तो सुनते रहते हैं कि जी मुल्क दिवालिया ना हो, मुल्क दिवालिया होने से बच जाए, लेकिन साथ ही साथ अवाम भी दिवालिया होने से बच सकें, क्योंकि अवाम के लिए तो बड़ी मुश्किलात आती जा रही हैं। तो बहुत से अहम मौज़ुओं पर बात करेंगे, पहले टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। सदर आरिफ अलवी ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरती इजलास तलब कर लिया, शिरकत के लिए इलेक्शन कमीशन को भी दावत। याद रखें, बेवक्त का खाना मोटापा और वजन को बढ़ाना, बेवक्त की भूख का इलाज कैसे किया जाए, बाखबर सवेरा में माहिर गजाइत आज बताएंगी बहुत काम की टिप्स। और फूलों का शहर पेशावर, कदीम और अजीम तहजीब का मस्कन, वो शहर जहां अजीम जंगजुओं ने पड़ाव डाला और अपनी यादगारें कायम की। अच्छा जी, तो पहले हम ज़रा तस्करा कर लेते हैं कराची में जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए थे आपने देखा, और उससे जुड़ी खबर ये भी है कि गिरफ्तार खुदकुश हमलावर के हवाले से बहुत ही तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं और वो इंकशाफात हम आपके गोश गुजार करते हैं। माहिल बलोच के ख़ानदान का BLF अस्करी विंग से गहरा ताल्लुक़ है, ये अभी इस्टेब्लिश हो चुका है। उनके शौहर बेबगार बलोच से उर्फ नदीम का ताल्लुक BLF अस्करी विंग से था। भाई BLF कमांडरों के करीब तरीन साथियों में शामिल था। जस्ट इमेजिन कि किस तरीके से दीज पीपल आर कनेक्टेड। अच्छा, गिरफ्तार खातून के ससुर मास्टर मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक BNM की मरकज़ी कमेटी से है, और ये एक बड़े अहम तरीन इंकशाफात हैं जो हम आपके गोश गुजार करें। एक खातून को पकड़ा गया और पता चला कि उसके ताल्लुकात ना सिर्फ ही कि उसके बल्कि उसके शौहर और उसके ससुर के ताल्लुकात भी दहशतगर्दों से किस हद तक रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ कराची पुलिस ऑफिस हमले में जहन्नुम वासिल दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से था और गुज़िश्ता माह वो पाकिस्तान आया था। और फिर इसके साथ साथ ज़राए ने यह भी बताया कि हलाक दहशतगर्द की उम्र 20 साल थी, गुलाम खान बॉर्डर से वजीरिस्तान में दाखिल हुआ था और बॉर्डर पर नादरा वैन से शनाख्ती कार्ड के लिए उसने राबता किया था। अच्छा, ये तो देख लें आप जनाब, ये उस दहशतगर्द के हवाले से ये डिटेल्स हैं। 2003 में वो पैदा हुआ था, 2023 में वो जानू वासिल हुआ, उसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ओवरऑल किस तरीके से उनको ट्रेस कर लिया गया है। और आप ये देखें कि जाहिर है कि ये दहशतगर्द जिस तरीके से ट्रेस होंगे और जिस तरीके से उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, तो जैसे ही कार्रवाई होगी तो फिर ये मामलात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे, क्योंकि बग़ैर किसी फैसिलिटेटर के ये लोग तने तनहा ये काम नहीं कर सकते। और फिर जो माहिल बलोच का हम तस्करा कर रहे थे, जिस खातून के बारे में डिटेल सामने आई, उसको मिसिंग पर्सन बनाया जाता था कि जी वो मिसिंग पर्सन है, लेकिन बाद में फिर पता चला कि जनाब उस खातून के ताल्लुक और उसके पूरे अहले खाना के ताल्लुक
कहाँ से मिलते हैं, कहाँ उनकी कड़ियाँ मिलती हैं और किस तरीके से वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस रहे भी हैं और आगे भी उनकी प्लानिंग जारी थी, क्योंकि जिस तंजीम ये कि BLF से उनका ताल्लुक था तो जाहिर है कि वो एक अस्करी मुजाहमती तंजीम है। तो लेट्स सी कि मज़ीद क्या कामयाबियाँ अब मिलती हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस महाज पर। अच्छा जी, अब ज़रा ख़बर शामिल करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने ये दायर दरख्वास्त खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देख रही है, ये कहना है अदालत का। और फिर अदालत ने यह सवाल किया कि क्या उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट साथ लगाई है, और फिर अदालत ने कहा कि आपका क्या ताल्लुक है इससे, हम उसे संभाल लेंगे। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख शाहिद राना एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे। तो जनाब ये एक डिटेल है जो अब तक सामने आई है और राना सनाउल्ला के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी जिसे अब अदालत ने ख़ारिज कर दिया है और ये राना शाहिद एडवोकेट की दरख्वास्त पर ये समाअत हो रही थी और इस पर फिर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देख रही है और फिर साथ ही इस्तफसार किया कि क्या इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी लगाई गई है। और फिर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने कहा कि आपका क्या ताल्लुक है इससे, हम इसे संभाल लेंगे। अच्छा जी, एक मामला जिस पे सबकी नज़र है, 26 नवंबर का दिन सबको याद होगा, खान साहब ने असेंबली तहलील करने का कहा था कि हम असेंबली तहलील कर देंगे या फिर रिज़ाइन कर देंगे। फिर सब लोग कहते रहे कि जी रिज़ाइन नहीं करेंगे, नहीं होगा असेंबली तहलील, नहीं होगी ये, नहीं होगा वो, नहीं होगा, लेकिन खान साहब ने बिलाखिर वो भी कर दिया। पंजाब और KP असेंबलियाँ तहलील हो चुकी हैं, लेकिन जो नहीं हो रहा वो है PDM की जानिब से किया गया वादा पूरा, यानी कि वो वादा क्या था कि जैसे ही असम्बलियाँ तहलील होंगी तो उसके बाद हम इंतखाबात करा देंगे उन असम्बलियों की हद तक। बल्कि उस वक्त तो उनके वादे ये थे कि ना सिर्फ उन असम्बलियों में बल्कि जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे अगर दो सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो गई। भाई जनरल इलेक्शंस तो दूर की बात, अभी तो ये इलेक्शंस नहीं होके दे रहे जो कि उन दोनों असम्बलियों में होने थे और उसका मामला खटाई में पड़ा हुआ है, क्योंकि फिर नई नई तौजीहात सामने लाई जा रही हैं, पेश की जा रही हैं। अब आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स और हुकूमत एक दूसरे पर मामला डाल रहे हैं। आरिफ अलवी जो कि सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने इलेक्शन की तारीख के लिए एक मशावरती इजलास ऐवान सदर में तलब किया है जिसमें शिरकत के लिए इलेक्शन कमीशन को भी दावत दी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह लिखा है ख़त में कि इंतखाबात का मामला अदालतों में ज़ेर समात है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऐवान सदर को मशावरती अमल का हिस्सा नहीं बना सकता और आइन के आर्टिकल 105 का तस्करा किया कि उसके तहत तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर ही दे सकते हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद कहते हैं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अगर इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं तो दें या फिर इस्तीफ़ा दे दें। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। आज से ही सियासत शुरू है, 60 दिन गिन लें, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। एक गटा तोप अंधेरी भी आ सकती है, जकड़ भी आ सकता है और बिजली भरा तूफान भी आ सकता है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है। इलेक्शन होंगे, सूबे और मरकज के इकट्ठे होंगे। पाकिस्तान को अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है। आधा सामान छोड़ कर आए हूँ, अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। ऑल राइट जी, तो ये तो शेख साहब ने अपने इरादे बता दिए। एक तो मुतालबा सदर साहब से कि अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें, दूसरा आपने भी बता दिया है कि पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा अगर ये मौका आया तो बहरहाल। अच्छा, इसमें इस हवाले से अपडेट ये है कि MQM पाकिस्तान ने भी कहा है कि ज़मनी इलेक्शन जो कौमी असम्बली की नशस्तों पर होने हैं उसमें हमने हिस्सा नहीं लेना जी, मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है। अच्छा, इसके साथ साथ हम अब बात करें कि सीनियर नायब सदर जो हैं और ऑर्गेनाइज़र जो हैं मरियम नवाज़ शरीफ, उन्होंने एक बार फिर अदलिया को निशाने पर ले रखा है और रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इमरान खान पहले इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आया और अब अदलिया के कंधों पर आना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून के वो आहनी हाथ जो नवाज़ शरीफ के लिए फौलाद थे अब इमरान खान के लिए मोम क्यों बन गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो अब अदलिया के कंधों पे चढ़ के आने की तैयारी कर रहा है। वो कानून के आहिनी हाथ जो नवाज शरीफ के लिए फौलाद के हुआ करते थे, आज इमरान खान के लिए वो मोम के हाथ क्यों बन गए। अच्छा, इमरान खान साहब ने उस पर रिएक्शन दिया है, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिक वजीर आजम भी हैं। वो ये कहते हैं कि ये प्रेशराइज करने की टैक्टिक है मरियम नवाज की और उसके लिए ऑडियो लीक की जा रही हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
पाकिस्तान के शहरियों के पॉलिटिक्स के पहले फोन्स को टैप किया जाता है, ये नहीं कि पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल उसको करते हैं जब भी उनका कोई सियासी मकसद पूरा करने को ऑडियो टेप सामने आ जाती है। फेयर ट्रायल एक्ट कहता है कोई किसी का फोन टैप नहीं कर सकते जब तक इंटीरियर मिनिस्टर अदालत में जाए, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकता है, वो फिर इजाजत देता है और उस इजाजत के बाद फिर फोन टैप कर सकते हैं। मेरे प्राइम मिनिस्टर होते हुए वो मेरी ऑफिशियल लाइन थी, उस लाइन का टेप किया गया, उसको डॉक्टर करके और उसको रिलीज किया गया। इसके अलावा बुशरा बेगम ऑफिशियल लाइन से किसी से बात कर रही थी, तो उनकी बातचीत थी, उसको भी चेंज करके और दो दफा वो रिलीज की गई। शहबाज शरीफ की और वो मरियम की भी कोई ऑडियो टेप लीक्स निकली और उसके अंदर भी तो खैर और बातें हो रही थी। परवेज लाई की वो कोई टेप निकला। हमारी अदलिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश की जा रही है। तीन अपने सीनियर पार्टी लीडर्स जानते हो जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। मरियम नवाज ने अनाउंस किया कि मेरे पास ऑडियो टेप्स हैं या वीडियो टेप्स हैं। अब तो जनरल बाजवा ने भी कह दिया कि मेरे पास टेप्स हैं। क्या इस मुल्क में कंट्रोल करने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ हो रहा है? अदलिया से आज उम्मीद रखता हूं, फिर से कहा है कि मेरी पिटीशन सुनी जाए। अच्छा जी, तो अब आप ये देख लीजिए कि सियासी सूरत हाल क्या बनती चली जा रही है, यानी कि बिगाड़ ही बिगाड़ दिखाई दे रहा है, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं, खावर घुमन साहब तजियाकार भी हैं, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया खावर घुमन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये सदर साहब ने तो अपनी जानिब से कोशिश की थी, जाहिर है कि एक आइनी ओहदा है और एक मतलब रियासत के सरबराह की हैसियत से उन्होंने अपनी तौर पर यह कोशिश की कि सबको एक जगह बिठाया जाए, सबको बिठा के बात की जा सके। और बात करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि जंगों से मसाइल हल नहीं होते, डायलॉग से होते हैं। तो ऐसे में अगर कोशिश थी तो उस पर इलेक्शन कमीशन का जो जवाब था आपकी नज़र में मुनासिब था? देखें, ये सदर पाकिस्तान का पहला नहीं दूसरा खत था, पहले भी उन्होंने खत लिखा, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा। दूसरे खत के अंदर जो सदर साहब की तरफ से लिखा गया उसके अंदर यकीनी तौर पर इजहार था, डिस्पेयर शो किया था सदर पाकिस्तान ने कि जनाब आला मैंने आपको पहले भी खत लिखा था, ये दूसरा खत लिख रहा हूँ, आपके ऊपर भी एक आईनी जिम्मेदारी आयद होती है और मैं भी एक आईनी सरबराह हूँ मुल्क का। तो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसका सेक्शन 57 बहुत वाजे है कि मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन या जनरल इलेक्शन होने हैं तो सदर पाकिस्तान मशावरत का किरदार अदा करते हैं और मशावरत करके तो उन्होंने इलेक्शन की डेट देनी है। अब इस पे इख्तलाफ ये है कि जो बिल्ड एक्ट के अहमद बिलाल साहब हैं वो जो सदर हैं उनकी तरफ से आपको पता दो चार प्रोग्राम के अंदर वो अपियर हुए, उनका कहना है वो कि जी सदर पाकिस्तान तारीख दे सकते हैं। अच्छा। वो अनाउंस कर सकते हैं केपी और पंजाब के अंदर, वो उनको कर देना चाहिए 57 सेक्शन के तहत। अच्छा। लेकिन कुछ आईनी माहिर इनका ये ख्याल है इंक्लूडिंग इलेक्शन के पाकिस्तान उनके जो वहाँ पे भी लोग मौजूद हैं उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स कि ये सदर पाकिस्तान सिर्फ जब कौमी असेंबली का इलेक्शन हो तो उसके अंदर ये सूबों के अंदर वो ऐसा काम नहीं कर सकते। चलो ये भी अगर मान लें तो सूबों के अंदर जो गवर्नर्स हैं वो जो है नॉमिनीज होते हैं सदर पाकिस्तान के रियासत के जी जी। तो उनको भी उन्होंने जो है गवर्नर्स को भी खत लिखा, तो उस हिसाब से अगर उन्होंने ये खत लिख भी दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पहले एक लिखा जब दूसरा लिख दिया तो बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन दिया गया तो उसमें वो हमें उससे जाहिर होता है जो मुल्क के अंदर इस वक्त तकसीम जारी है। अब जो बात हो रही है ना, अभी बात कर रहे हैं कि जी मिल बैठ के बात करनी चाहिए, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठ के कर ली जाए और मुल्की मामलात का हल निकाला जाए। मेरी इसके ऊपर राय ये है सती साहब कि मुल्क के अंदर एक आईन है, आईन जो है मुतफिका आईन है, आईन हमने एक कन्वीनियंस डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं इस्तेमाल करना, जब हमें जरूरत हो जब हमारे हक में हो तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आईन किसी भी मुल्क के अंदर एक सेक्रेट एक टेक्स्ट होता है, उसको सुप्रीम उसके ऊपर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मैं ये काम कर लूं ये या ना करूं। अब आईन का आर्टिकल अगर 105 है वो कहता है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, आईन का आर्टिकल 224 सब क्लास 2 कहता है विद इन 90 डेज, उसके बाद सबसे अहम जो आईन का आर्टिकल है वो 220 है। वो 220 आर्टिकल ये कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है और तमाम जो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटीज हैं वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर वो ताबे हैं इलेक्शन कमीशन के, कि उनको जो भी हुक्म चाहिए और मिलेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसके ऊपर अमल करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने ये रिक्वेस्ट नहीं करनी फाइनेंस मिनिस्ट्री से या उसने बस बताना है,
दफा से उन्होंने बताना है। और लाहौर हाईकोर्ट ने भी ये बात की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स आए वो भी ये बात की, जनाबे आला आप बिस्मिल्लाह करें, आप काम करें, अगर कोई आपको इनकार करेगा तो फिर बात है। आप यही मतलब ये राय मांग रहे हैं, राय मांगना आपका काम नहीं है, आपका काम है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने और उसके लिए इकदाम लेना, हुक्म देना, उसके ऊपर सारी बहस मुबासा चल रहा है। मेरे ख्याल में अब लग ये रहा है कि क्योंकि वो ऑलरेडी ये जो है इस हवाले से जो बॉल है वो कोर्ट्स के कोर्ट में जा चुकी है, अदालतों के कोर्ट में जा चुकी है। अब अदालतों ने उस बॉल को किस तरह खेलना है, खेलना क्या है, देखिए आइन के ऊपर अमल दरामद होना है और आइन के ऊपर अमल दरामद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आई एम श्योर कि वो करेंगे। लेकिन एक चीज मैं समझने से कासिर हूँ कि आप अंदाज़ा कीजिए कि एक चीज़ होनी है, जैसा मिसाल के तौर पर असम्बलियों की तहलील का मामला था, वज़ीर आला की जानिब से समरी गई, अब बलीग़ुर रहमान से या ना करते और उन्होंने एंड में नहीं किए, लेकिन वो एक अमल था वो मुकम्मल हो गया, तो इसके अंदर भी इनडेफिनेटली ये चीज़ हो जानी चाहिए, यानी कि जब 90 दिन हो जाएँ तो इस पर इंतखाबात होने हैं, ये एक मैंडेटरी होनी चाहिए। यहाँ पर अब आपको पता है कि मलिक अहमद खान साहब की भी मुख्तलिफ राय, हर कोई मुख्तलिफ राय दे रहा है इससे मुतालिक, विच इज़ सरप्राइजिंग। देखिए जी वही मैं कह रहा हूँ कि ये बस उसके अंदर कुछ राय फरार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी आईनी माहिरीन से आईनी माहिर से बात कर लें, हुकूमती लोगों को छोड़ें, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो अक्रॉस द बोर्ड उनके वो नजरियाती इख्तलाफात हैं या नहीं है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है उसमें कोई बंदा कोई जो जो लीगल एक्सपर्ट्स है जो आईनी माहिर है जो वकील है उसके ऊपर बिल्कुल उसकी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सियासी एतबार से मुझे जरा बताएं खाबर गुमन साहब, इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, यानी कि IMF के सख्त तरीन एक प्लान जो कि मीशत को हमारे बचा सकता है, लेकिन अवाम उस अवाम की चीखें लिटरली निकल गई हैं, बल्कि अब तो बेसुध हो गए हैं, अदमुए हो गए हैं अवाम, जिस तरह से उनके ऊपर इन्फ्लेशन का एक तूफान आ गया है, तो आपको लगता है कि जो ये सख्त डिसीजन उन्होंने लिया है उसके बाद ये पोलिटिकली स्पीकिंग आपको लगता है कि वो करवाने जाएंगे इलेक्शन? देखें जी सियासी तौर पर तो इमरान खान जब हुकूमत थे तो वो हुकूमत नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उनकी भी उस वक्त एक राय थी जनाबे अलग मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे एक बैरूनी मुदाखलत है जो कि आए वो एक आपको पता है साइफर आया उसके अंदर मुदाखलत का वर्ड भी था जो भी आपको पता है एक सर्टन लेवल बात हुई जी जी। लेकिन जो बजाहिर एक आईनी तरीका कार था कि पहले 20% जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली कॉन्फिडेंस मूव किया, उसके बाद विद सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके ऊपर अगर उस टाइम उस वक्त जो स्पीकर थे कायम-मुकाम कासिम सूरी साहब ने कोई रूलिंग दी तो उसको रूलिंग को आड़े हाथों लिया गया कि जनाबे आला आप ये नहीं कर सकते, तो अक्सरियत की राय यही थी कि वो नहीं कर सकते थे। अब एक सियासी जमात कोई काम करना चाहती है अपनी सहूलत के मुताबिक तो ये सियासी जमात का ये वो सियासत जरूर करें, लेकिन आइन के साथ खिलवाड़ किसी भी सियासी जमात को बिल्कुल कोई हक हासिल नहीं है। मेरे ख्याल में हमें किसी निगोसिएशन किसी जो है आपस में इनकी कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक बात की जरूरत है कि आईने पाकिस्तान के ऊपर कुल्ली तौर पर अमल होना है और उस पर अमल दरामद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। अगर इन इदारों की तरफ से भी इन मामलों के ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाना कोई काम नहीं होना तो फिर आपने वो डेफिनेशन तो पड़ी होगी बनाना रिपब्लिक की, वो मेरे ख्याल में हर रोज फिर आप अपने प्रोग्राम में जरूर बताया करें कि बनाना रिपब्लिक के पीछे हिस्ट्री क्या थी एक्चुअली के व्हाई स्टेट इज कॉल्ड बनाना रिपब्लिक। अल्लाह रहम करे हमें जाहिर है कि वो हालात ठीक नहीं है, जो मर्जी हालात हों देखें जो एक मेरे ख्याल में अब जब आप मेरे से बात खत्म कर दें तो आइन का आर्टिकल 7 जरूर पढ़ दीजिएगा जो नाजरीन के लिए, आइन का आर्टिकल 7 ये कहता है उसके अंदर ना रियासत की तारीफ ये है और रियासत की तारीफ उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया है क्या है कि रियासत कंसिस्ट करती है जो है हुकूमत वक्त और उसके सामने ब्रैकेट में लिखा है पार्लियामान क्योंकि पार्लियामान से हुकूमत बनती है, आगे लिखा हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोविंशियल असेंबली और आगे लिखा गया है लोकल गवर्नमेंट, ये तीन अनासर मिलकर रियासत बनाते हैं और ये तीन अनासर के बनने के लिए बुनियादी जो अमल है उसकी जरूरत है वो है इंतखाबात, तो हम एक रियासत की बुनियाद जो है उससे कैसे उसको सरफे नजर कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त का आपने खबर गुमन साहब, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 25 तक ही सारे के सारे पढ़ लेना तो ना इस मुल्क में तालीम के मामले पे तफरीक हो, ना इस मुल्क में कोई बच्चा स्कूल से बाहर हो, ना इस मुल्क में किसी को फ्री स्पीच करने पर मसाइब का सामना करना पड़े,
तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो फिर इस सॉर्ट हो जाएं। बहुत शुक्रिया खबर गुमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आई एम श्योर कि ये इलेक्शंस के मामले पर कोई एक दरमियान का रास्ता निकल आएगा, क्योंकि जाहिर है कि आवाम भी चाहते हैं कि उनके मसाइल, आवाम का बेसिक मुतालबा यह है कि उनके मसाइल को हल किया जाए, उनको हल करने वाला कोई हो, उनके ऊपर तवज्जो देने वाला कोई हो, और जो वो तवज्जो देगा सॉर्ट करेगा आवाम उसी की जानिब देखेंगे, तो ये एक फैक्ट है बेसिकली। अच्छा जी, अब ज़रा हम एक ज़रा बात कर लेते हैं कि गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद से एक वीडियो सर्फेस हुई और सोशल मीडिया पर जब आई तो ना सिर्फ एक इस्लामाबाद वाले तो वो हॉरर को फेस कर रहे थे, लेकिन जो पूरे मुल्क के जो आवाम थे वो इस वीडियो को देखने के बाद खौफ का शिकार हो गए कि ये वफाकी दारकूमत में हो क्या रहा है। वो वीडियो सामने आई थी एक तेंदुए की, एक लेपर्ड की, जो कि आप देखें कि किस तरीके से भाग के शहरियों को वहाँ पर निशाना बना रहा था, और कभी एक के पीछे भाग रहा है, कभी ये जंप करके किसी के घर में दाखिल हो गया, तो ये एक बड़ा मामला ख़राब हुआ था। और फिर वाइल्ड लाइफ के हमले पर भी हमला करता रहा, फिर उसके बाद जनाब लोगों ने वहाँ पर एक जानब लोग यहाँ पर दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, और एक जानब वफाकी दारकूमत में लोगों के शशके ख़त्म नहीं हो रहे, घरों में चीते, शेर, सांप, जंगली बिल्लियाँ और दीगर ख़तरनाक जानवर लोगों ने अपने अपने घरों में पाल रखे हैं, बल्कि कई लोग तो दिखावा करने के लिए, शोबदेबाजी के लिए गाड़ियों में लेकर घूमते भी हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे डॉग्स हैं या कैट्स हैं, दे कैन बी डोमेस्टिकेटेड, यानी कि उनको घर में रखा जा सकता है, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं दे कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, क्योंकि किसी भी वक्त उनकी वो इंस्टिंक्ट जाग जाती है और उसके बाद वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, और फिर ना सिर्फ ये कि आप अपनी ज़िंदगी बल्कि आप दूसरे की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं अपने दिखावे के चक्रों में, अपने इन शशकों की वजह से, अपने बच्चों की, अपने फैमिली मेंबर्स को तो वैसे भी आप ख़तरे में रखते हैं लेकिन दूसरे भी उससे मुतासर हो सकते हैं, तो ये रुझान ठीक नहीं है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड वकार ज़करिया साहब। वकार साहब बहुत शुक्रिया जी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये क्या मतलब वफाकी दारकूमत में कोई अलग कानून है कि वहाँ पर हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी, अपनी इस्तेदात, अपने सोशल स्टेटस के मुताबिक जानवर पाल रहा है दिखावे के लिए? जी कानून तो बिल्कुल वाज़े है। हम कानून ये कहता है, वो तमीज़ करता है पहले जंगली जानवर और पालतू जानवर में, और एक शेड्यूल है कानून में जो कि बताता है कि जंगली जानवर कौन कौन से हैं, और ये जो तेंदुआ लेपर्ड जिसे कहते हैं ये एक जंगली जानवर है। अच्छा, जंगली जानवर को अगर आप चाहे जिंदा हो या ना हो, खाल हो, उसको रखने के लिए कानून के मुताबिक एक लाइसेंस लेना ज़रूरी है। ठीक है, और हकीकत ये है इस वक्त कि हमने पॉलिसी के मुताबिक हमने कोई लाइसेंस घर में किसी जंगली जानवर को रखने का दिया ही नहीं है। उसकी वजह आप बता चुके हैं कि इसके तमाम खदशात खतरात हैं, तो कानून मौजूद हैं और जो रखे जा रहे हैं वो गैर कानूनी हैं, और हमें ये मुश्किलात जब आती हैं तो हम जाते हैं और कोशिश यही करते हैं कि उन जानवरों को ले लें, लेकिन उसमें बहुत सारी मुश्किलात ये होती हैं कि अगर हम ले लें तो हम उसको फिर रखें कहाँ, और ना रखें तो क्या हो, जहाँ पर जिसने रखा हुआ है उसको भी ख़तरा हो सकता है, जानवर को भी मुश्किल हो सकती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये कोशिश है कि इस सिलसिले को वक्त के साथ ख़त्म ही कर दें कि जंगली जानवरों को घरों में रखें ही ना। ऑल राइट, तो अब उसके बाद चलें, जिन लोगों ने रख लिए हैं तो ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि लाइसेंस उन्होंने नहीं एक्वायर किए होंगे, तो उसके खिलाफ क्या कानून क्या कहता है, कोई कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से क्या कन्फिस्केट उनसे किए जा सकते हैं जानवर, उनको उनकी जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर जाके उनको जो इलाके हैं वहाँ पर छोड़ा जा सकता है, क्या किया जा सकता है इसके मुताबिक? जी कन्फिस्केट किया बिल्कुल जा सकता है, लेकिन जो आपने ये बाद में बात की है कि क्या उनको वाइल्ड में छोड़ सकते हैं, तो ये तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। एक जंगली जानवर जो कि एक मुद्दत तक पालतू रखा गया है, उसकी जो हिस है जंगल में खुराक ढूंढने की, शिकार करने की, अपनी हिफाजत करने की, वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि आम तौर पे ये बच्चे जंगल से लोग पकड़ के बेचते हैं, छोटे बच्चे, अब वो बच्चा जब माँ से अलहदा हो जाता है तो वो माँ जो कि उसको जंगल में सिखाए कि कैसे, जैसे कि हम बच्चे को तालीम देते हैं, आप एक छोटे से बच्चे को अगर आप सड़क पर छोड़ दें तो वो तो चंद
दिन भी क्या घंटे भी शायद ना रह सके, तो वो माँ भी साथ नहीं होती। तो जब बच्चा भी अलहदा हो जाता है और उसको माँ कोई सिखाने वाली नहीं है, तो एक मुस्तकिल मसला खड़ा हो जाता है जानवर हमारे लिए। अब उसमें हम कर क्या सकते हैं? एक तो बात मैंने पहले ये की थी कि इन जानवरों को जंगल से आने ही ना दिया जाए। तो ये आमतौर पर इस्लामाबाद में तो एक मरगला हिल्स नेशनल पार्क है जी जी, लेकिन कश्मीर में केपी में बहुत बड़े जंगलात हैं, वहाँ से लोग वो चुरा के जानवर बेचते हैं, और जो अमीर लोग हैं वो बड़े शहरों में होते हैं, वो ख़रीदते हैं। तो एक तो ये है कि जहाँ से ये जानवर चोरी हो रहे हैं वहाँ से इस चोरी को रोका जाए, फिर जब यहाँ आ जाते हैं तो एक बड़ी दर्दनाक सूरत पैदा होती है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि ये बंगाल टाइगर है शेर, उसका एक बच्चा हमें 3 महीने पहले मिला और उसकी हड्डियाँ बिल्कुल नरम थीं। कोई मालिक था जिसने उसको पालने की कोशिश की, लेकिन मालिक का कसूर भी नहीं, उसको पता ही नहीं था कि बच्चे को रखा कैसे जाता है, धूप से बचा के रखा अपनी तरफ से, उसकी हड्डियों की नशोनुमा नहीं हुई। हमें 3 महीने लगे उसको सेहत याब करने में। अब वो सेहत याब तो हो गया है, अब हम उसको दें कहाँ? अब हम मुस्तकिल रखें तो उसका 1,00,000 रुपए महीने का तो उसका खुराक का खर्चा है। मुल्क के बाहर भेजें तो एक बेइज्जती है हमारी कि हम क्या कर रहे हैं, मुल्क के अंदर कोई कहाँ किसको दें, और जो दें तो हमें कैसे पता होगा? लेकिन वकार साहब, जाहिर है कि इसमें आपका जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है, इसका किरदार क्या है? और जाहिर है कि आपके पास कोई जगह है ऐसे जानवरों को रखने के लिए? आप लोगों की कैपेसिटी क्या है? फंडिंग किस तरह से होती है, अगर होती है तो? जी, हमने ये जो चिड़िया घर था पुराना, जो कि हाई कोर्ट ने जस्टिस अथर मेनेला साहब की अदालत ने कहा था कि आप चिड़िया घर को बंद करें, तो हमने ये किया है कि उसके जो कुछ पिंजरे पुराने पड़े हुए हैं उनको हम कहते हैं रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो एक आरजी सा हमने एक सेंटर वहाँ बनाया है, कुछ स्टाफ है हमारा ट्रेंड है, कुछ वॉलंटियर्स हैं जो कि उसमें आके काम करते हैं। तो इस तरह से हम समझ लें कि एक गुजारा कर रहे हैं, वसाइल बहुत महदूद हैं। लेकिन देखें, अब एक जानवर कोई आ जाता है तो आप क्या करें? उसको जंगल में छोड़ें तो मुसीबत है, रखें तो भी मुश्किल है, और आखिरी जो एक रास्ता है वो जान की कदर नहीं होती कि हम उसको ख़त्म कर दें, वो भी एक बेहिस किस्म का एक जवाब है। तो हमारी जो पॉलिसी ये है कि हमने रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर बनाया कि ऐसी जब कोई सूरत हाल पैदा हो, जैसे अभी ये तेंदुआ अभी हमने पकड़ा है, इसको हमने रखा है और साबित यही हो रहा है, तमाम शवाहिद ये हैं कि ये पालतू नहीं था, ये जंगल से ही आया था, उसके नाखून, उसके दांत, उसका तरीका जैसे कि गुस्से से वो रहता है, उसको हमने आरजी तौर पर रखा है। और जैसे हमें अब ये तयन कर रहे हैं कि मुनासिब जगह कहाँ है, क्योंकि ये जंगल से आया है, हम इसको वापस भेज देंगे, तो रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर में उसको देख के कि सेहतमंद है, जख्मी नहीं है, इत्मीनान से उसको बेहतर करके निकाल देंगे। लेकिन अब हमारे पास कुछ रीच हैं जो कि मदारियों ने रखे होते हैं, वो हैं, और वो मुस्तकिल अब हमारे पास हैं, और उनके लिए हम चंदा जमा करते हैं, कुछ अपने वसाइल हैं, हुकूमत से भी हम वसाइल लेते हैं, लेकिन हुकूमत के वसाइल भी महदूद हैं, मुश्किल सूरत हाल तो है। ऐसे तो इसमें जिस तरह से गुजारा करें, जिंदगी बचाना बेसिकली एक बहुत ज़रूरी है लोगों की भी और अपनी भी, तो क्या ही मुनासिब हो कि भले इंसान को वक्ती तौर पर ऐसे मामले में दुनिया क्या कहेगी ये तो देखना है, लेकिन हमने देखा कि एक हाथी को भी यहाँ से हमने भिजवाया था और वो भी उसकी जान बचाने के लिए वो चीज़ ज़रूरी थी। तो आई एम श्योर इस मामले में कुछ सोचा जाएगा कि अगर हम नहीं संभाल सकते तो उन मुल्कों को दे दें कि जो इसको संभाल सकें, वरना बाहर घूमें तो उनकी जान को भी ख़तरा, लोगों की भी जान को ख़तरा, और फिर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लानी चाहिए जो लोग इनको घर में डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे वार ज़करिया साहब जो कि मेम्बर हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के। तो अब जनाब एक यहाँ पर एक ख़बर है जो शामिल करते हैं आपसे, और वो ये है कि सिंध हाईकोर्ट में परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की गुमशुदगी केस की समाअत हुई। अच्छा जी, और सिंध पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी और साथियों के बारे में लालमी का इजहार करते हुए कहा कि मोहम्मद खान भट्टी के ख़िलाफ़ सिंध में कोई मुकदमा नहीं है। अच्छा, ये एक खबर है जो कि सामने आई है हमारे पास, और ये परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, ये उस वक्त सेक्रेटरी थे जबकि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब थे। तो उनकी गुमशुदगी का वाक़या पेश आया था सिंध में, और फिर उस मुतालिक जो है वो के खबर शामिल आई सामने आई थी इससे मुतालिक कि उनको वो कर लिया गया। अच्छा जी, अब ज़रा आपको बताएं कि एक ख़बर और सामने आई है कि इमरान खान साहब की जो ज़ाती सिक्योरिटी है
उसने लाहौर हाई कोर्ट का दौरा किया और इमरान खान साहब का जाहिर है कि आज पेश किया जाना है, तो उससे मुतालिक जो पुलिस है उसने तो जिम्मेदारी ली है सिक्योरिटी की और यकीन दहानी भी करवाई है और एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब की जानिब से भी इससे मुतालिक बताया गया था, लेकिन अब ये है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी ने वहाँ पर गया, तो बाबर खान मजीद उससे मुतालिक हमें बताएंगे। बाबर बताइएगा, सिक्योरिटी वहाँ पर पहुँची है और पुलिस ने अंदर दाखिल होने से रोक दिए है, ये क्या मामला है? देखें जी, चेयरमैन तरीके साहब इमरान खान जिन्हें आज अदालत ने तलब कर रखा है, उन्होंने आज अदालत जाना है और कारकुनान को यहाँ पर 10:30 बजे का टाइम दिया गया था। गिलगित बल्तिस्तान से आई जो उनकी जाती सिक्योरिटी है, उन्होंने पहले यहाँ जमान पार्क में यहाँ पर चेकिंग की, उसके बाद वो हाईकोर्ट गए हैं, हाईकोर्ट से और रूट जो है तमाम उसने चेकिंग करके जब वापिस आए तो वो अंदर जमान पार्क जाना चाहते थे इमरान खान की रिहायशगाह के पास, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद है पुलिस, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी, उन्होंने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर कमांडो जो है ना उन्होंने इकरार किया गिलगित बल्तिस्तान के कि उन्होंने अंदर जाना है। तो इस समय में जो कारकुनान है यहाँ पर इकट्ठे हो गए और मुश्तल हो गए, उन्होंने पुलिस के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद जो गाड़ी थी सिक्योरिटी और उनकी जो उनके जितने भी अरकान थे उनको फिर अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। अब बताया ये जा रहा है कि जो इमरान खान की सिक्योरिटी मजीद जो है वो यहाँ पर जाती तौर पर जो सिक्योरिटी है वो पहुँचेगी, वे बुलेट प्रूफ गाड़ी भी पहुँचेगी, जिसके बाद इमरान खान हाईकोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे फैसला किया जाएगा। कारकुनान यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान पहुँच गए हैं, पहले भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद होते हैं लेकिन आज उन्हें 10:30 बजे का टाइम दिया गया कि कारकुनान बड़ी तादाद में पहुँचे। कारकुनान का ये कहना है कि वो रैली की शक्ल में इमरान खान के साथ हाईकोर्ट जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी, मुमकिन जो गिरफ्तारी है उसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। यहाँ पर सूरतयाल बिल्कुल अजीब सी नजर आ रही है क्योंकि पुलिस की गाड़ियां भी आना शुरू हो गई हैं और बताया जा रहा है कि बख्तरबंद गाड़ी और दीगर जो पुलिस की फोर्स है वो भी यहां पर पहुंचेगी, जिसके बाद इमरान खान को हाईकोर्ट ले जाया जाएगा। जी चलिए ठीक है, बाबर खान बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, किस तरीके से खान साहब जाते हैं, पेश होते हैं, क्या तरीके कार होगा। अब जाहिर है प्राइवेट सिक्योरिटी थी तो फिर वहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी अदालत में दाखिले से उसे रोक रही थी, जो कि उनका एक कानूनी तकाजा उसको पूरा कर रहे थे। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट से खबर है कि नाज़िम जोकियो कत्ल केस में MPA जाम अवैस को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि जाम अवैस ने मकतूल के वरसा से सुलह करके दियत अदा की है, दियत अदा करने के बाद जाम अवैस सादिक और अमीन नहीं रहे। इस पर मजीद जान लेते हैं, असगर उमर हमें बता रहे हैं, बताइएगा असगर उमर। जी, एक बैरिस्टर ताहिर ने दरख्वास्त दायर की है कि जाम अवैस जो है वो अपने, क्योंकि मेंबर सूबाई असम्बली हैं, वो अब 62 और 63 के आइन के तहत वो सादिक और अमीन नहीं रहे क्योंकि वो कत्ल के इस मुकदमे में मुजरिम थे और दियत अदा करके वो इससे बाहर हुए हैं। क्योंकि दियत अदा की गई है तो ये तस्लीम कर लिया गया है कि उन्होंने जुर्म किया है और चूँकि कोई भी मुजरिम पार्लियामेंट का मेंबर बनने के काबिल नहीं होता, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया जाए। ताहम अदालत ने उनकी तवज्जो दिलाई कि इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनकी रोशनी में अगर आप दलाइल दें तो ज्यादा बेहतर होगा और उन्हें तैयारी के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पर। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अच्छा जी, हमारा फेवरेट टॉपिक होता है जी खाबा, यानी कि खाना खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना। कभी हम पायों का तस्करा करते हैं, कभी हम जो तली हुई मछली का, कभी हम ग्रिल्ड फिश का तस्करा करते हैं, कभी मतलब कोई ना कोई हम कभी कहीं की बिरयानी का कुछ ना कुछ हम तस्करा करते रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो खाने के बाद, अब जैसे हम जैसे लोग हैं, आपने खा लिया तो उसके बाद थोड़ा सुकून आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खाने के फ़ौरन बाद दोबारा से भूख लग जाती थी है, यानी कि उनका पूरा दिन खाने के बारे में सोचते हुए और खाना खाते हुए और खाने की चीज़ें तलाशते हुए गुजरता है। तो फिर यह कि सुबह के नाश्ते के बाद 11 बजे कुछ चाहिए, दोपहर का खाना खाने के बाद शाम की चाय के साथ समोसे बिस्किट या स्नैक्स कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है, और रात के खाने के बाद फिर उसके बाद सोने से ज़रा पहले अगर नेटफ्लिक्स या कोई भी इस तरह की देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो फिर लाजमी तौर पर उन्हें ख्वाहिश सता रही होती है। तो ऐसा क्यों है, किस वजह से ऐसा होता है, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग़िज़ाई डॉक्टर आयशा अब्बास, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये इस आदत को क्या कहेंगे, क्या हमारे, एक तो कैलोरी इंटेक तो इसलिए होती है कि हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये जो वहशी बना है इसको हम क्या नाम दें? इसको आप अपने शौक़ कह लें या अपनी आदत कह लें या अच्छा। आप अपनी भूख को बिला वजह बढ़ाना कह लें,
और अगर मेडिकली आप इसको कह लें तो आप अपने पेट के साइज को बिला वजह खुद ही बढ़ा रहे हो। ऐसा होता है? हाँ, पेट के साइज को बिल्कुल ऐसा होता है। देखें, आप इसको खुद प्रैक्टिस करें, अभी आप अपनी रूटीन पे चल रहे हैं, लेकिन जो मैं बात आपको समझा रही हूँ, आप इसको आजमाने के तौर पे 3 दिन के लिए अपनी भूख को बढ़ा लें, यानी कि आज आप ज़्यादा खाना खाएं, दोपहर में, सुबह में, रात में, और बेवक्त खाएं हैं, यानी कि सुबह के बाद फिर दरमियान में खाएं, दोपहर के बाद फिर दरमियान में खाएं, रात के बाद फिर खाएं। आप यकीन करें कि अगले दिन आपको बेवक्त भूख लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि होता यह है कि आपके पेट का साइज़ बढ़ जाता है और वो आपके ऑर्गन्स को, जो बाकी आपके ऑर्गन्स होते हैं आपके जिस्म में, वो उसको इधर उधर पुश कर देता है। तो पेट का साइज़ जब बढ़ जाता है तो आपको उन्हीं टाइमिंग्स पर दोबारा भूख लगने लग जाती है, ऑटोमेटिकली आप अपने पेट के साइज़ को बढ़ा देते हैं। और जब आप ग्रेजुअली अपनी भूख को कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं, मेरी डाइटिशियन ने बताया है मेरा वज़न 15 या 20 किलो अपनी उम्र के हिसाब से, कदकाठ के हिसाब से ज़्यादा है, मेरे ब्लड टेस्ट भी ठीक नहीं आए, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ मुझे हो चुकी है, ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा हुआ है, डिप्रेशन मुझे है, गोडे गिट्टे यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ मैं जा रहा हूँ, मुझे अपना वज़न कम करना है, तो स्टमक का साइज़ छोटा होगा। और उसके अंदर एक और चीज़ भी है कि एक तो ये है कि जैसे आपका वज़न बढ़ेगा या आपका पेट बढ़ेगा तो ज़ाहिर है कि वो वज़न आपके गोडों पे ही आएगा, मींस कि आपके नीज पे आएगा, तो आपके नी जॉइंट्स में भी इश्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल होता है। देखें, आटा हम 5 किलो या 7 किलो या 10 किलो लाते हैं तो हम किसी अपनी मेड को बोलते हैं या ड्राइवर से बोलते हैं कि उठा के उसको अंदर रख दो, या हम, या अगर हो तो, और नहीं होगा तो हम उसको बहुत आराम आराम से ला रहे होते हैं, अच्छी खासा बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर हम ओवरवेट हैं, हमारा 5 किलो या 10 किलो या 15 किलो वजन ज्यादा है, डेली हम उसको उठा के चल रहे हैं तो वो हमारे जॉइंट्स पे ही पड़ रहा है, गोडों का मतलब नी जॉइंट, एंकल जॉइंट पे हम डेली वजन लाद के चल रहे हैं। और जो है ये जो हड्डी जोड़ के माहिर हैं या जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो इस तरीके से वो बताते हैं कि भाई होता ये है कि जो भी वज़न आपका इस तरीके से होता है वो आपके मल्टीप्लाई कर जाता है, यानी कि अगर 1 किलो वज़न है तो आपकी कमर के अतराफ है तो 4 किलो ज़्यादा। अच्छा, ये जो आदत है इसको कैसे ख़त्म करें? और ये जो पेट अगर हमारा एक दफ़ा बढ़ गया है तो उसके अंदर इतनी इलास्टिसिटी होती है कि वो फिर वापस उसी तरीके से खिंच के हो जाए। बिल्कुल, ये सारी ट्यूनिंग का बटन आपके हाथ में है। अच्छा, आप उसको खुद ही बड़ा कर सकते हैं, आप उसको खुद ही छोटा कर सकते हैं, ये क्रेविंग्स कहलाती हैं। अच्छा, और ये वक्त बे वक्त जो बेजा भूख का लगना है आप उसको कंट्रोल करें। आपने अपना बटन खुद ही अगर उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, वक्त बे वक्त आपको भूख लग रही है तो आपने रेफ्रिजरेटर खोला और उसमें से आपको एक पिज्जा की स्लाइस नजर आ गई, समोसा नजर आ गया, तो आप हाँ जन्नत के नज़ारे ना, तो वो क्योंकि घर में बच्चे तो होते हैं, तो बच्चों को आप अपने, वो क्या कहते हैं कि दिल भी किसी जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं, तो आप अपने आप को बच्चा तो ना बनाएं, बच्चों की चीज़ बच्चों के लिए रहने दें। आपने रेफ्रिजरेटर खोला, बच्चे की ब्राउनी भी खा ली, पिज्ज़ा भी खा लिया, उसका जो कुछ बचा चॉकलेट वगैरह ले ली, तो आपका स्टमक उस तरह से जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी भूख को कंट्रोल किया और 3 ग्लास पानी पी लिए, यकीन करें कि बहुत सारी जो हमारे भूख के सिग्नल्स होते हैं या हमारे जिसको हम कहते हैं कि हंगर पैंग्स, यानी कि जब हमें फीलिंग हो रही होती है कि हमें भूख लग रही होती है, वो हमें हर दफ़ा भूख लग भी नहीं लग रही होती, वो हमें प्यास के सिग्नल्स होते हैं, अगर हम 2 से 3 ग्लास पानी उस वक्त पी लें तो इमीजिएटली वो सिग्नल्स ख़त्म हो जाते हैं। एक फ्रूट ले लें, 2-3 बादाम ले लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका आयशा अब्बास, आप तशरीफ लाएं। और जनाब, आपने देख लिया कि क्या सूरत हाल है। आप अगर आप अपने आप को, अपनी क्रेविंग्स को सॉर्ट नहीं करेंगे और अगर आप हर दफ़ा खाने की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखें जी, पेट तो कहता है कि पेट तो बच्चा है जी, जितना मर्ज़ी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तो आपने थोड़ा सा अपना पेट को कंट्रोल करना होगा। और पेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए और भी मसाइल होंगे, ब्लड प्रेशर, फिर उसके बाद जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ना जाने क्या क्या बढ़ जाएंगे। तो अब जनाब क्या है हमारे पास, इजाज़त। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी आपके मॉर्निंग शो में। अल्लाह।